सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए और हम लोग ट्राउजर में, देखो हम लोग दोनों का दोनों ट्राउजर में आए हैं हम लोग, और देखते हैं कैसा सीन रहता है। बहुत अजीब लग रहा है। दो टिकट। हाँ एंड गाइस, हम लोग जब इंटर हुए तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कप सेट देखने को मिला, जो कि काफ़ी मस्त था। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा लेडीज़ का जो भी है हम लोग को देखने को मिला। जेंट्स का काफ़ी कम चीज़ था, बट हाँ लेडीज़ लोग का काफ़ी ज़्यादा सामान था यहाँ पर। एंड गाइस, जिसके बाद हम लोग को एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ देखने को मिला, जो कि कुछ इस तरह से था। हालांकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग बज रहा था, तो इसलिए कॉपीराइट आ जाता है सॉन्ग पर, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कुछ कुछ मैं बोला हूँ वीडियो में। एंड गाइस, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट्स, जितना भी सामान यहाँ पर है, ये सारा हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो यहाँ जितना भी आपको जो भी चीज़ दिख रहा है सब हमारे इंडिया में ही बना है, सो बाहर से कुछ भी नहीं है। और हाँ गाइस, यहाँ का जो प्रोडक्ट, जो भी सामान था वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। क्लिप है लड़की लोग का बाल बाल में लगाने का, तो लेना है क्या इसको? ले लो, अतरा तो बाले नहीं है तो लगाएगा कहाँ। एंड गाइस, यहाँ पर 20 रुपया सेल करके सामान दिया जा रहा है। थोड़ा मूड खराब कर दिया। और गाइस, यहाँ पर हम लोग को मिला सबसे छोटा ग्लास, जो कि दिखने में काफी मस्त था। क्या प्राइस है गाइस? हम लोग को यहाँ पर एक गेम देखने को मिला, जो कि 30 रुपये में 6 बॉल दिया जाता है और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, तो इसमें आपको 6 बॉल डालना और जितना टोटल नंबर आएगा वो टोटल नंबर काउंट करके आपको इसमें से जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है प्राइस वो आपको दिया जाएगा। उस प्राइस पर आपका वो नंबर लिखा हुआ है, सो वो आपको प्राइस मिल जाएगा। सब कुछ गिराना पड़ेगा, मतलब जो 3, 2, 5 गिलास है, 5 गिलास नीचे गिराना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर ये सब प्राइस मिलेगा। कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, अगर सब गिर गया तो कोई एक चीज़ आपको लेना पड़ेगा, एक चीज़। मतलब इसमें आप वो लिक्विड डाल देते हैं, उसके बाद फिर ये डाल देना और फिर अपने आप ही जम जाएगा, फिर बन गया।
और ये लकड़ी किस चीज का है? कितना का है? एंड गाइस, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और लास्ट में हम लोग को मिला सबसे अच्छा चीज़, जो कि यहाँ पर कुछ स्टैचू था जो कि मिट्टी का बना हुआ था और मेड इन इंडिया नहीं था। सो इसमें काफ़ी मस्त चीज़ हमको देखने को मिला कि एक में लाइट जल रहा है, ऊपर से उसमें से पानी गिर रहा है उस स्टैचू में से। सो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। एंड गाइस, यहाँ बच्चों लोग के लिए भी झूला लगा हुआ था, सो बच्चों लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। एंड काफ़ी शाम हो गया था, अब हम लोग को निकलना था यहाँ से। और लास्ट में हम लोग को एक पोर्ट दिखा जो कि इतना सारा पोर्ट था और काफ़ी मस्त लग रहा था ये सब पोर्ट, फ्लावर पोर्ट वगैरह। एंड शाम के टाइम में देखो कितना ज़्यादा भीड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, बहुत ज़्यादा। सो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं घर, ठीक है। एंड गाइस, ये मेला का बात करूँ तो ये मेला लगा हुआ है जिला परिषद हीरापुर धनबाद में, जो कि यहाँ पर मेन रोड के जस्ट बगल में एक ग्राउंड है, वहाँ पर लगता है, ठीक है। और यहाँ पर स्वदेशी मेला लगा हुआ था जो कि सारा चीज़ जितना कुछ था सब हाथ से बना हुआ था। और सच में काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ आया हुआ है इस बार, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता भी है इस बार पहले से, तो इस बार सस्ता मैंने देखा था, प्राइस वाइज भी पूछा था तो सस्ता है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था। सो आई होप गाइस आप लोग को ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर ब्लॉग या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर गाइज़।